नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल झा है और हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम अपने पीसी या लैपटॉप से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है या आप विदाउट सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से सब्सक्राइब बटन आपके सामने आता है। आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं इसमें अपना CSE, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि संबंधित वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आपको बिना समय गवाए जल्दी से हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, इनमें से किसी भी तरीके से आप बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला तरीका आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का ही स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मेरे यूट्यूब चैनल्स पे यहाँ पे देखिए एक वीडियोस आ रही है, मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है लेता हूँ। तो कैसे लेंगे हम इसका? तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ पे स्पिंग टूल पे आना है और स्पिंग टूल पे हमें क्लिक करना है। और जैसे हम स्पिंग टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे आपको जितना भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इस जो मेरे वीडियोस है इसका मैं इसके थंबनेल का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट हमारा आ गया। अब इसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके जो है इसे किसी भी फाइल अपने किसी फोल्डर्स में से बड़ी ही आसानी से सेव कर सकते हैं। तो एक आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि जिससे और भी आसानी से जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उससे जो है पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आएगा। और जो मैंने अभी ये तरीका बताया है, इससे आप जो है कहीं का भी कितना भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरा तरीका देख लेते हैं कि इस दूसरे तरीके से जो है हम स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने कीबोर्ड में देखिए, आपको एक F12 की के बगल में एक की नज़र आ रही होगी जिसका नाम है PRTSCR। आपको इस PRTSCR को प्रेस करना है। तो चलिए, इस की को हम प्रेस करते हैं। और जैसे ही आप इस की को एक बार प्रेस करेंगे तो आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो है आपका स्क्रीन कैप्चर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आपका उसका आ गया होगा। अब आप इसे कैसे देखेंगे? इसे देखने के लिए आपको करना क्या है कि कोई सा भी अपना एक, चाहे MS Word या MS Office, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस MS Word को ओपन कर लिया है। जैसे ही आप इस वर्ड को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पेस्ट करना है, तो Ctrl+B के साथ वैसे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फोटो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आ गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।